ये नशा मुक्ति केंद्र के पास जो बॉडी मिली है उस संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर युवक कहाँ का था बताया? ये ठाकुर द्वारा क्षेत्र का रहने वाला था, पहचान हो गई, परिजन आ भी गए हैं। भाई है मेरा बड़ा। क्या हुआ इनको? हमने इनको नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा था अब से 3 दिन पहले, थोड़ा परेशान करते थे और सिगरेट वगैरह पीते थे, तो इसलिए वहाँ ठीक हो जाएंगे तो थोड़ा गाली गलौज करते घर पे, तो हमने इसलिए चलो इधर छोड़ दिया था कि कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा ही तो लगता, अपना भाई तो सही हो जाएगा। हमने 3 दिन पहले यहाँ छोड़ा। कौन सा नशा मुक्ति केंद्र? नशा मुक्ति केंद्र है इधर, ये इस रोड पे, क्या बोलते हैं, संभल रोड पे। फिर क्या हुआ? फिर हम 3 दिन से सही था, मतलब वीडियो वीडियो भेजी उन्होंने, अच्छा था सब कुछ एकदम। और अब कल शाम को 7 बजे 7:15 बजे करीब हमें फ़ोन करके बताया उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है कि हम हॉस्पिटल ले आने हैं। मंगा तुम इसे जितना अच्छा हॉस्पिटल हो सके उधर ले जाइए, हम आ रहे हैं, हम इतने रास्ते में नहीं पहुँचे। उन्होंने इतनी देर में कह दिया, वो डेट हो गया और उसके हमने आते ही देखा तो उसके इतनी चोटें लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा। पहली बात तो जब हम उधर पहुँचे तो गाड़ी में ही बैठा था वो, और वो कहीं से नहीं था, घूम रहा था। वो हमसे बोल रहे हैं कि हम एम्बुलेंस में आ रहा है हॉस्पिटल से आ रहा है, और हमने देखा तो वो बराबर वाली गाड़ी जो खड़ी थी उसी में पड़ा था, यानी टाल मटोल किया जा रहा था, कोई इलाज नहीं हुआ उसका। क्या मानते हो कि मारपीट हुई है क्या? हाँ, इन्होंने भी जो भी किया है मारपीट किया है इन्होंने जो भी किया। हम तो जो चाहते हैं इनको कार्रवाई करना चाहते हैं और जो नशा मुक्ति केंद्र है ख़त्म चाहते हैं, बिल्कुल बंद करवाना।